2020 के सातवें महीने के पहले दिन में परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं का ध्यान दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के 11वें और 12वें पद पर ले जाने के लिए मैं परमेश्वर की शरण में आता हूँ। वहाँ वचन ऐसा कहता है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। इस अनुग्रहित भाग में से जिस विषय पर हम एक साथ ध्यान करने वाले हैं वो है कि हम सत्य की प्रतीति या विश्वास करने वाले बने। अगर हम बहुत अधिक प्रार्थना के साथ में मनन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि शैतान इस वचन के संबंध में हमारे मन में गलत सोच डाले। ऐसे सवाल मन में आ सकते हैं कि क्या मनुष्य झूठ की प्रतीति करे इसलिए परमेश्वर मनुष्य को भटकाने वाली आत्मा भेजेगा, या परमेश्वर सब जानते हुए भी मनुष्य को दंड देने के लिए न्याय को भेजेगा। वचन को गलत ना मानते हुए एक वास्तविकता जो हमें समझनी जरूरी है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के साथ में मनुष्य को सही और गलत खुद चुनने का वो विशेष स्वभाव भी दिया कि मनुष्य जीवन को चुने या मृत्यु को, अच्छाई को चुने या बुराई को, धार्मिकता को चुने या अधार्मिकता को, आज्ञा मानने को चुने या ना मानने को। इसी कारण यहाँ अधर्म के रूप में झूठे मसीह से मनुष्य भटक जाए ऐसा होने देने का कारण परमेश्वर नहीं खुद मनुष्य ही है। अगर मनुष्य खुद ही ये निर्णय कर ले कि उसे नरक में ही जाना है तो ऐसे मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर के पास ज़्यादा करने के लिए नहीं है। अगर हम नाश होते हैं या नरक में जाते हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे, परमेश्वर नहीं। रोमियो को लिखी पुस्तक के पहले अध्याय के 21 से 32 के वचनों में और पत्रस के लेखों में हम यही समझ पाते हैं कि एक भी मनुष्य नाश होने के लिए नहीं बल्कि सब मन परिवर्तन की ओर आने की परमेश्वर की इच्छा को मनुष्य जब नकार देता है तो परमेश्वर उनका हाथ छोड़ देता है और उनकी आत्मा को उनकी इच्छा के मार्ग में नष्ट होने के लिए छोड़ देता है। प्रियजनों, आज के दिन में परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नाश होने के लिए या अनीति करने में प्रसन्न होने वाले हों। अगर ऐसा कोई भी है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आइए हम लौट कर वापस आएं। हमें क्षमा करके हमसे प्रेम और दया दिखाने के लिए परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। पिछले समयों में हम में से कईयों के दिल कठोर थे लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पिघलाकर उन्हें मांस का हृदय बनाकर देने का दान परमेश्वर ने दिया है और सत्य पर विश्वास करने का भाग्य हमें दिया है। इसलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। झूठ का विश्वास करके भटकाने वाली आत्मा के अधीन हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर उन्हें बचाए। आज के दिन सत्य पर विश्वास करने वाले मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं, आप अपने विश्वास से भटक ना जाएं, पीछे ना हो जाएं, थक ना जाएं। प्रेरित पौलुस का थिस्सलुनीकियों को लिखे इस लेख के दूसरे अध्याय में प्रमुख उद्देश्य सत्य पर भरोसा करने वालों की हिम्मत को बढ़ाना था। एक समय ऐसा अनुभव उनके जीवन में आया था कि वे सत्य के इस विश्वास से थोड़ा फिर गए थे। उसका पहला कारण था कि उनके विश्वास पर सवाल उठाने वाले गलत उपदेशों के कुछ जंगली पौधे उनके बीच में उगाए। पहले लेख के माध्यम से प्रेरित पौलुस के थिस्सलुनीकियों के बीच में बढ़कर आने वाले इन जंगली पौधों को सत्य विश्वास के अच्छे बीजों से बोने के द्वारा उखाड़ कर फेंक देने का सामर्थ्य परमेश्वर देते हैं। आज के दिन में मुझे सुनने वाले किसी भी जन के जीवन में अगर ऐसे जंगली पौधे उग आए हैं तो ये जानकर कि ये शैतान द्वारा किया गया है, उन्हें अपने जीवन से उखाड़ कर फेंक देने की कृपा इन वचनों को सुनने के द्वारा प्रभु हमें देने पाए। दूसरी उनकी मुश्किल विश्वास के कारण आने वाली पीड़नाएं थी, लेकिन वर्तमान समय का उपद्रव और मुश्किलें और आगे होने वाली महिमा को पहले से जान लेने के कारण थिस्सलुनीकियों का सत्य विश्वास बढ़ने लगा। तीसरी बात जिसके कारण थिस्सलुनीकियों का सत्य विश्वास डगमगाता है कि उन्हें यीशु मसीह के दूसरे आगमन की स्पष्टता नहीं थी। इन लेखों के द्वारा यीशु मसीह के दूसरे आगमन को वो समझ पाए और विश्वास में बढ़ने पाए। संसार को झूठ के अधीन करके
भटकाने वाली आत्मा के द्वारा नाश होकर विश्वासी समूह को दंड देते रहने वाले अधर्म के सूचक शैतान को हमेशा के लिए दूर करके ख्रीस्त यीशु का राज्य स्वीकार करने की अपनी आशा को नया करते हैं, तो सत्य विश्वास बहुतायत से बढ़ता है। आज के दिन में हमारा सत्य विश्वास सभी मुश्किलों को दूर करके लगातार बढ़ते रहने पाए। पत्रस के समान खुद समुद्र की लहरों पर प्रभु की ओर देखकर चलने के समान हम भी अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाकर सत्य विश्वास को बढ़ाते रहने पाए। प्रभु हम सबको अनुग्रहित करें। हैव अ ब्लेस्ड डे।